डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट ICT के अंदर जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों हम इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा हम 2020 में अभी जो हमारे एग्ज़ाम हुए इनमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमीजीनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी की, और इसमें मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों बहुत सी फुल फॉर्म्स है, सभी को याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको कहते हैं, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो दोस्तों ये फुल फॉर्म 2020 के एग्ज़ाम में आई थी, मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आगे दोस्तों DNS डोमेन नेम सर्विस, या फिर इसको डोमेन नेम सर्वर भी कह सकते हैं। और इसमें दोस्तों जो ब्लैक हमने की हुई है, बोल्ड की हुई है, ये सभी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। DPI की बात करें तो दोस्तों डॉट्स पर इंच होता है, DVI डिजिटल वर्स विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। FAT ये दोस्तों आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद में FA 12 बिट फाइल एलोकेशन टेबल, ये आप देख लेना दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं, GBPS गीगावाइट पर सेकंड और गीगावाइट्स पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म है। फिर दोस्तों CPS, ये अभी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर उसके अंदर ये आई है, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों साइबर फिजिकल सिस्टम। और उसके बाद में हम बात करते हैं OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ये दोनों अभी के एग्ज़ाम में आई हुई है। और दोस्तों मैं आपको बहुत बार एक बात कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये देखिए GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये पहले आई हुई है दोस्तों, अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये 2020 एग्जाम के अंदर आया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, KBPS किलोबाइट पर सेकंड। और उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे ये जो है दोस्तों ये हमारा मेमोरी सिस्टम है, KB को किलोबाइट कहते हैं, MB को मेगाबाइट कहते हैं, GB को गीगाबाइट कहते हैं, TB को टेराबाइट कहते हैं। और एक जैसे कि हम बात करें कि 1024 बाइट्स के अंदर 1 किलोबाइट होते हैं, ये सभी जो मेमोरी सिस्टम है दोस्तों आगे की वीडियो में आपको करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको मेमोरी सिस्टम करवाऊंगा। मेमोरी से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों MP3 की बात करते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 ऑडियो MPEG, ये दोस्तों ये पहले एग्जाम के अंदर आ चुका है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें दोस्तों जैसे NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, दोस्तों ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत फुल फॉर्म दी हुई है, आप इन सभी को देख लेना। मैं यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। RGB दोस्तों ये आया था, ये एक बार क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और आगे हम बात करें जैसे SD सिक्योर डिजिटल है, और उसके बाद में VDU ये आई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, विजुअल या फिर वीडियो या फिर विजिबल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, जिग जिग इन लाइन पैकेज इसकी फुल फॉर्म है। और एक ये दोस्तों CDMA, ये हमारा अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 का उसके अंदर ये फुल फॉर्म आ चुकी है,
कोड डिवीजन मल्टीपल एसएससी इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर से रिलेटेड क्या क्या फुल फॉर्म हमारी हो सकती है। एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइस हो गया, एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो गया, और आगे जैसे सीडी की बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी रोम, ये दोस्तों ये हमारी अभी एग्जाम के अंदर आई है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म है दोस्तों, और ये 2020 एग्जाम के अंदर आई है। उसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों CD RW, इसका मतलब है दोस्तों सीडी का मतलब तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और RW का मतलब है दोस्तों री राइटेबल, यानी कि उसको हम दोबारा से राइट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल पर्पस, और CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DVD की फुल फॉर्म है, डीवीडी की फुल फॉर्म है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी रोम, डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क भी इसको कहते हैं दोस्तों, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेटाइल डिस्क दोनों सेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीवीडी रोम, रैम और रोम के बारे में आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ये देख लेना एक मिनट यहाँ पे दोस्तों, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये यहाँ पे रैम आएगा दोस्तों, यहाँ पे रैम आएगा, ये गलती से दोनों में रोम हो गया, यहाँ पे रैम आएगा, कोई नहीं यहाँ पे ये देख लेना। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है FDD, ये पहले एग्जाम में आ चुकी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है, HDD की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म है, और उसके बाद में LCD ये आया दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आया है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है, LED लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म है, रैम और रोम के बारे में आप सभी को पता है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत 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 बार आती है, और अब के बार जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये आई है। रैम की बात करें तो दोस्तों रैंडम एसएस मेमोरी है, और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हाँ एक ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक है ये SSD सॉलिड स्टेट डिस्क इसकी फुल फॉर्म है, और उसके बाद में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है USB है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आई है दोस्तों, आप देख लेना आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अभी जो एक एग्जाम के अंदर आई है 2020 एग्जाम के अंदर ये है दोस्तों BCD, इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है, ये आप देख लेना दोस्तों। और नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या क्या फुल फॉर्म हो सकती हैं, देखिए 2G का मतलब है सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, ये थर्ड जनरेशन होगी, ये फोर्थ जनरेशन होगी। अब बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, और GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, IMAP इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, IP की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पहले क्वेश्चन में आ चुके हैं दोस्तों, एग्जाम में आ चुके हैं ये। और आगे हम बात करें जैसे मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एग्ज़ाम के अंदर आई है, पहले रिपीट हुई है, और VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। और हाँ एक ये दोस्तों ये हमारे एग्जाम के अंदर आई है, वाईफाई की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी हुई थी एक बार, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रख लेना। आगे दोस्तों हम अदर टेक्नोलॉजिकल ICT फुल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों, जैसे IoT है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाँ ये दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर आ चुकी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आप देख लेना। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है CPU की दोस्तों, CPU इम्पोर्टेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, PC की पर्सनल कंप्यूटर हो गया, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे हम बात करें दोस्तों ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद में ये दोस्तों ये जितने भी फुल फॉर्म है दोस्तों ये आप सभी एक बार पढ़ ज़रूर लेना, क्या पता कौन सी एग्ज़ाम में आ जाए। और उसके बाद में जैसे ये हमने सभी कर ली है GIF, हाँ दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म है, RGB की मैंने बताई दिया। आगे हम बात करें दोस्तों CMYK के, ये दोस्तों कलर है, इसका मतलब है श्यान मेजेंटा येलो और ब्लैक, के का मतलब है दोस्तों ब्लैक होता है इसके अंदर,
और आगे हम बात करें डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी हमने पहले बता दी। हाँ, एक एचटीटीपी दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर आ चुके हैं पहले। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अभी जो यूज़ करते हैं हम एचटीटीपीएस, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब है दोस्तों सिक्योर, सिक्योर मीन्स जहाँ पे पेमेंट वगैरह करते हैं पेटीएम पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। जितनी भी वेबसाइट लेन देन से रिलेटेड है, ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे आपको HTTPS लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों HTML, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर इसकी फुल फॉर्म है। XML का मतलब है दोस्तों एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्काइडिंग स्टाइल सीट ये इसकी फुल फॉर्म है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये देख लेना। WWW ये भी पहले आ चुका है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बाद में अगर हम उसकी बात करें दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो .com कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है, .net नेटवर्किंग वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, .org ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के लिए, .edu एजुकेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, ये सभी आप देख लेना दोस्तों। इसमें से पहले एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों एक SEO, SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेबसाइट पे हम जो भी गूगल पे हम डालते हैं, सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सभी काम करता है, SEO काम करता है। तो ये सभी देख लेना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्या पता कौन सी आ जाए। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन की या फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर जैसे .mp3 किसके लिए यूज़ होता है, ऑडियो के लिए यूज होता है, ये हम सभी को पता है। ये ऐसे एग्जांपल देंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, जैसे तीन फाइल एक्सटेंशन दे देंगे या चार दे देंगे, वो कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा MP3 फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ऐसे हमें बताना होगा। .wav ये भी हमारा वेव फाइल यानी कि ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है, ये सभी देख लेना। जैसे .midi ये भी हमारा ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है, ये सभी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों। .aif .cda .iff .mid .mp3 .mpa .wav .wma .wpl आगे हम बात करते हैं दोस्तों वीडियो फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर .avi .flv और .mkv ये ज़्यादातर हमने ये सभी फाइल एक्सटेंशन देखे हुए दोस्तों। .mp4 mp4 हम पहले बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, आज से 10 साल पहले जो चाइनीज़ मोबाइल आते थे कीपैड वाले, तो उनके अंदर MP4 वीडियो चलाते थे हम बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में जैसे 3GP है, 3GP भी बहुत ज़्यादा चलती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इमेज फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .ai .bmp हो गया, .gif हो गया, .ico हो गया। और ये देखिए ये .gif ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज, GIF ये हमारा 2020 एग्ज़ाम के अंदर आया है दोस्तों। और आगे हम बात करें .jpeg, JPG जो हमारी इमेज होती है उनके लिए यूज़ होता है, PNG हो गया, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज हो गया, और ये सभी देख लेना दोस्तों। .psd हो गया, .svg हो गया, .tiff हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो इसके अंदर .doc और .docx हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है अपडेटेड हुआ है उनकी दोनों के फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों। और इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो अभी नया वर्जन चल रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो उसके अंदर कौन सा वर्जन यूज़ किया जा रहा है, .doc या फिर .docx, तो ये आएगा दोस्तों .docx ये करंटली यूज़ किया जा रहा है। आगे हम बात करें .pdf, PDF फाइल ओपन करने के लिए दोस्तों टेक्स्ट हो गया, WPD हो गया, .rtf हो गया, .msg हो गया, ये सभी चीज़ें आप देख लेना दोस्तों, ये सभी फाइल एक्सटेंशन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .ods हो गया, .xlr हो गया, .xls हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो .apk .bat .bin .cgi .com .exe .jar .py .wsf
ये देख लेना। उसके बाद में सम अदर फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट AVI मल्टीमीडिया के लिए यूज होता है, डॉट BAT PC बैच फाइल के लिए यूज होता है, डॉट AU बेसिक ऑडियो के लिए यूज होता है। और हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करें तो दोस्तों ये सभी GIF, ये कई बार पढ़ लिया हमने, ये सभी चीज़ें दोस्तों हम ऊपर करके आए हैं, सारी चीज़ें हम करके आए हैं। फिर भी आप दोस्तों इन सभी को एक बार ज़रूर 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 देख लेना, क्या पता एग्ज़ाम के अंदर कौन सी फाइल एक्सटेंशन पूछ ले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी फाइल एक्सटेंशन समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं हमारे 2020 एग्ज़ाम के अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने सभी अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं ICT से रिलेटेड, वो अलग करके हैं, कम्युनिकेशन के अलग है, टीचिंग के अलग है। तो अगर आप ये फाइल लेना चाहें तो ये हमसे ले सकते हैं दोस्तों। ऐप के अंदर आप हमारी ऐप इंस्टॉल करना, उसके अंदर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ। ये देखिए 24/9/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर में आया है। ये इन्होंने पूछा हुआ है CD-ROM के बारे में पूछा हुआ है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करें दोस्तों इसके अंदर, जैसे GIF की बात करें, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म है। आगे हम बात करते दोस्तों URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद में बात करें तो दोस्तों देखते हैं कहाँ पे इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए। हाँ ये देखिए CPS, CPS का मतलब है साइबर फिजिकल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद भी देख लेते हैं, हाँ ये देखिए OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी आसान आसान फुल फॉर्म हमारे एग्ज़ाम के अंदर आ रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर 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 कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे CDMA हमने करवाया था, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म है। और आगे हम बात करें, आगे कोई दिखता है तो देखते हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों, BCD की बात की थी ना, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपकी सभी यूनिट धीरे धीरे करके करवा देंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें ये सभी नोट्स लेने तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के अंदर, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और DI के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो GRF है।